बात सड़क पर ऐसे संग्राम की जिसकी नींव सरकार के वादों, दावों और झूठे आश्वासनों ने रख दी थी। बात कर रहे हैं विद्युत तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल की, जो ग्रेड पे बढ़ाने सहित अपनी दूसरी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में टूल डाउन हड़ताल पर है। जब कर्मचारियों की उम्मीदें डाउन हुई तो उन्होंने टूल डाउन कर दिया। जब सरकार वादा खिलाफी करती दिखी तो कर्मचारियों ने टूल डाउन कर दिया। सवाल यही है कि कमी टूल की है, तंत्र की है, या फिर कर्मचारियों ने इसे अपना टूल बना लिया है जिससे जनता परेशान होती है, सरकार परेशान होती है। तो कर्मचारियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, उनको ये उम्मीद थी कि सरकार उनकी बात सुनेगी और आश्वासन की चाशनी की मिठास जैसे ही खत्म हुई, हालातों का जहर कर्मचारियों पर हावी होने लगा और मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आए बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारी। कर्मचारियों में नाराजगी इस कदर है कि हिदायतों को किनारे करते हुए अब वो सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। बिजली कंपनियों में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर तकनीकी कर्मचारियों ने मंगलवार को टूल डाउन हड़ताल कर राज्य सरकार को खुली चुनौती दे दी है। हड़ताल पर रोक के सरकारी फैसले को आंख दिखाते हुए राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल को राजस्थान राज्य विद्युत कर्मचारी फेडरेशन का भी समर्थन मिला है। कर्मियों के सख्त रवैये और पूर्व में हड़ताल के कारण हुई परेशानियों को देखते हुए डिस्कॉम प्रशासन ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और फील्ड अफसरों को बिजली आपूर्ति बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफसरों को पूरे आंदोलन की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी नेताओं के ऑफिस, घर के पते, फोन नंबर की सूचनाएं पुलिस को मुहैया कराई गयी है। तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने हड़ताल पर रोक को तानाशाही का नमूना बताया। वहीं सरकार तकनीकी हेल्परों की मांग पर प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज चुके हैं। कागजी आश्वासन के चलते तकनीकी कर्मचारी का असंतोष बढ़ चुका है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आए हेल्परों ने 2400 ग्रेड पे की मांग को लेकर बीते दिनों हीरापुरा जीएसएस पर कब्जा जताते हुए एक चौथाई शहर में बिजली आपूर्ति ठप कर दी थी, जिसके बाद आनन फानन में सरकार ने कमेटी बनाकर 30 दिन में समस्या को हल करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया था। बाद में कर्मियों की मांगों पर ठोस कदम उठाने के बजाय सरकार ने 2 दिसंबर को राजस्थान अति आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के तहत बिजली कंपनियों में 31 मई 2016 तक हड़ताल पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते कर्मचारी भड़क उठे और हड़ताल पर आमादा हो गए। ऐसे में प्रदेशवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सवाल उठते हैं कि क्या डिस्कॉम की हठधर्मिता के चलते बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं? क्या बिजली कर्मियों की मांग उचित है? क्या महंगी बिजली के बावजूद तकनीकी कर्मचारियों को हक नहीं मिल रहा? क्या सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है? और आखिर क्या सरकार को कागजी आश्वासन की जगह ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए?